मॉर्निंग दोस्तों, सो TFA व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ गुजरात में। सो ये गुजरात का काफ़ी एपिसोड आने वाला है। सो आप TFA व्लॉग्स को ट्यून इन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज का ये है एपिसोड 1। सो एपिसोड 1 में हम लोग हैं सूरत में। सो मैंने आज का प्रोग्राम ऐसा सेट किया है कि मैंने एक कैब बुक किया है 8 घंटे के लिए। सो ये जो मैंने कैब बुक किया है, सो प्रफुल्ल भाई के थ्रू बुक किया है। सो प्रफुल्ल भाई हाई कर दीजिए। हाय। सो आप जैसे ही सूरत आएंगे, जब भी सूरत आएंगे, तो आप प्रफुल्ल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, कुछ खाएंगे घूमेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे लोकल फूड क्या मिलता है। और आज का एजेंडा ही वही है कि लोकल फूड यहाँ पे खाना है, और कुछ डेस्टिनेशन जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो भी घूमेंगे। तो शाम तक प्रफुल्ल भाई मेरे साथ ही हैं, ये भी मुझे गाइड करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या है। सो मेरा लिस्ट और इनका लिस्ट दोनों मर्ज करके जो भी लिस्ट निकल आता है, सो उसको आज एक्सप्लोर करेंगे खाने के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ। तो सूरत आने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। मैं आया था बस से पुणे से, और इट टेक्स अराउंड 8 to 10 hours बाय रोड। सो दोस्तों, मैं अभी हूँ ये श्याम मंदिर में। आप पीछे देखिए, सूरत का फेमस श्याम मंदिर, और आपको इसका बाकी का ग्लिम्स भी दिखाता हूँ मैं। लेके भगवान के पूजा स्थान तक कोई कैमरा अलाउड नहीं है। सो अभी मैंने सिर्फ जितने भी वीडियो लिया है वो सिर्फ कंपाउंड वॉल के अंदर ही लिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंटर करने से पहले मेन रोड पे ही कॉर्नर पे आपको ऐसे कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको आलू भजी, टमाटर भजी, और वहाँ पे बोलते हैं आलू बड़े, टमाटर बड़े, तो ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं ये प्लेट में। सो ऐसे कुछ प्लेट्स मिल जाए, ऐसे कुछ स्नैक्स मिल जाएगा, उसके साथ में चटनी मिल जाएगा, और ऑनियन और मिर्ची भी मिल जाएगा, और ये प्लेट का कॉस्ट 70 rupees है। तो अभी हम एक बीच पे आए हैं जो डुमस बीच है। ये अराउंड सिटी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमल राइड का फैसिलिटी है। यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ब्लैक कलर की है, तो इसलिए पानी आपको गंदा लग सकता है, बट पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिट्टी का ही कलर ऐसा है। पास में ही है, सो आपको ऐसे भी नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फूड स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, उसमें आपको मैगी, कॉर्नवेल और भी बहुत कुछ खाने का ऑप्शन मिल जाएगा। Thank you.
ब्रिटिश सिमेट्री, ये एक्चुअली अंग्रेज़ों के और ब्रिटिशों के कब्रिस्तान है, जहाँ की अलग अलग लोगों की मकबरे बनाए गए हैं ब्रिटिशर्स के। द सिमेट्री ये एक्चुअली डिक्लेयर किया गया है प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, बट आप इसमें कुछ डिटोरिएशन देख सकते हैं जो कि बिकॉज ऑफ नेचुरल वेदर डिजास्टर से हुए हैं। सूरत का फेमस एक्वेरियम, इसका टाइमिंग कुछ ऐसा है कि मंथ ऑफ मार्च टू अक्टूबर में ये मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6:30 तक ओपन रहता है, देन नवंबर से फरवरी तक ये मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5:45 तक ओपन रहता है। और इसका एंट्रेंस फीस कुछ ऐसा है कि चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 17 ईयर्स 40 रुपीज़ का है, 18 to 65 ईयर्स एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ का है, और सीनियर सिटीज़न के लिए विच इज़ अबव 65 ईयर्स ये 60 रुपीज़ का चार्ज करता है। सो इसका टिकटिंग प्रोसेस ऑनलाइन ही है। सो इसका जो टिकटिंग प्रोसेस है ये ऑफलाइन नहीं होता है, कोविड के बाद इन्होंने ऑफलाइन टिकटिंग बंद किया है। सो ये ऑनलाइन टिकट का ये प्रोसेस देखिए आप, डाउनलोड एप्लीकेशन, ये आप SMC का ऐप डाउनलोड कीजिए या तो गूगल में आप लॉगिन कीजिए। ये देखिए तो वेन्यू सिलेक्ट कीजिए, डेट सिलेक्ट कीजिए, टाइम सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ टिकट्स कितना चाहिए, ID प्रूफ दीजिए, देन बुकिंग कंफर्म कीजिए, देन पेमेंट भी ऑनलाइन ही कीजिए। सो ये आप पीछे मेरे किला देख सकते हैं जो कि अभी रिसेंटली म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ है, ये देखिए। तो अभी ये कोविड के बाद ये ओपन ही नहीं हुआ है, कोविड सेकेंड वेव के बाद भी ओपन नहीं हुआ है। सो इनका बोलना ऐसा है कि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से बात किया है तो इनका बोलना ऐसा है कि जनवरी फरवरी में शायद ये ओपन हो जाएगा, तो देखेंगे फिर। ये अभी म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ है तो देखते हैं फिर आगे कैसा होता है। अगर नेक्स्ट टाइम जब आना है तो फिर आगे विजिट कर लेंगे एक बार और आपके लिए एक ब्लॉग भी बना देंगे उस टाइम पर, क्योंकि सूरत का ऐसा है कि हम एक दिन में नहीं घूम सकते और मेरा आज का प्लान एक दिन का ही है और कल हम लोग कहीं और जा रहे हैं, तो एक दिन के लिए सूरत विज़िट इज़ नॉट पॉसिबल कम्प्लीटली। सो आपको दो दिन हाथ में रख के ही आना है। सो एनीवे मेरा आज तो ये नहीं हो पाएगा, वैसे भी ये बंद है, ये कोविड के बाद से शुरू नहीं हुआ है, तो देखते हैं जब भी नेक्स्ट टाइम आने का मौका मिलता है। बाहर से ही कुछ फोटोग्राफ्स लिया है, वही आप देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, सो ये मैं डच गार्डन में बैठा हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली आज का ये लास्ट वाला डेस्टिनेशन होगा, इसके बाद फ्रेंड के घर पे एक फंक्शन है सो वो भी अटेंड करना है। सो अभी मैंने यहाँ पे लिया है कचौरी चाट जो कि आप ये देख सकते हैं। सो इसमें वो अंकल जी ने बाहर ठेला लगाया हुआ है तो उन्होंने कचौड़ी चाट बनाया। सो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि मुझे याद रखोगे ये ऐसा कचौड़ी चाट है। तो मैंने अभी टेस्ट किया तो 3 कचौड़ी उन्होंने तोड़ के डाला है प्लेट पे, देन उसके ऊपर उन्होंने टमाटर डाला, पुदीना चटनी, मीठी चटनी, देन धनिया, देन चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट।
तो इतना डाल के मैं भी खा रहा हूँ। इट्स क्वाइट गुड, सो अच्छी मतलब एंडिंग हो सकता है, बट ये फूड के लिए एंडिंग नहीं है शायद आज का, क्योंकि आज का मेरा एक और प्लान है कि सूरत में ऑमलेट खाने का। सो जितना वैरायटी का ऑमलेट गुजरात में मिलता है, ये मैंने जितना स्टडी किया है कि इंडिया में कहीं और नहीं मिलता है। अगर किसी को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि कहाँ पे अच्छा मिलता है। बट अभी मेरा जितना एक्सपीरियंस है और मेरा जितना स्टडी है, सो वडोदरा, सूरत, राजकोट, ये तीन चार जगह में, अहमदाबाद आई गेस, सो ये तीन चार जगह में ऑमलेट अंडे का जितना वैरायटी मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और ये लोग काफ़ी उसमें क्या बोलते हैं कि इनोवेशन करते हैं डिशेस में, वैरायटीज़ बहुत करते हैं। तो आज मेरा उसमें से एक डिश खाने का प्लान है, सो देखते हैं कि आगे वो कैसा प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फिर अभी मैं ये चाट ख़त्म करता हूँ, फिर अंडे के पास मुलाकात। सो जब तक मैं ये चाट ख़त्म करता हूँ, आप थोड़ा ये डच गार्डन का व्यू ले लीजिए। इन्होंने ही सजेस्ट किया मुझे, ये लेके आए मुझे यहाँ पर। मैं YouTube वीडियो के लिए पुणे से आया हूँ, तो इनका गाड़ी मैंने बुक किया है, तो यही लेके आया मुझे। तो ये अन्ना नाम कैसे है? नहीं, आप साउथ से हैं क्या? हाँ, साउथ से। कहाँ से? मैंगलोर। अच्छा, मैं मैंगलोर भी गया हूँ, एक दोस्त की शादी में। पुणे में तो ज़्यादा रहता है। हाँ, पुणे में तो ज़्यादा रहता है मैंगलोर वाला। हाँ, बॉम्बे हुआ। ऑयल थोड़ा कम करो। दिन भर से इनके साथ ही घूम रहे हैं वीडियो निकालने के लिए, काफ़ी सारा वीडियो दिया। और कम देना गाड़ी का है।
चलो।